हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज इस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, ये है विप्रो। विप्रो कंपनी जो है एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है ये कंपनी, और इस कंपनी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। फ्यूचर में इस तरह का कंपनी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देगा, और ये कंपनी जो है बहुत बारीकी से काम कर रहा है। जितना भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, साथ ही साथ जितना भी आईटी सर्विस है, टेक्नोलॉजी सर्विस है, एडवांस लेवल का रोबोटिक सर्विस है, ये कंपनी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वर्ल्ड भी बहुत सारा कंट्री के साथ जो है इसका काम चल रहा है, और कंपनी जो है लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते तो अच्छा खासा इसमें जो है आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो इस कंपनी के बारे में और भी अगर डीपली जाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप चेकआउट करें, आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल का। फ्रेंड, इस कंपनी का जो फंडामेंटल है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट का आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया मार्केट के आप यहाँ पर है। साथ ही साथ इसका जो करेंट प्राइस है 367 है। हाई का बात करें तो वन ईयर में 599 तक हाई गया था, लो जो है 355 तक देखने को मिला है। इसका स्टॉक पे 17.7 है, बुक वैल्यू 113 है। यहाँ पर जो करेंट प्राइस है इससे कम बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा बात है। डिविडेंड 1.64% के डिविडेंड दे रहा है, साथ ही साथ आरओसीई आरओई के जो परसेंटेज है बहुत ही बढ़िया परसेंटेज देखने में को मिल रहा है। फेस वैल्यू 2 है। कंपनी का अगर डेट का बात करें तो यहाँ पर 19,000 के ऊपर क्या है, डेट है, ओके। लेकिन इसके पास 17,000 के ऊपर रिजर्व है, तो इसका डेट टू इक्विटी जो है 0.23 है, तो एक डेट फ्री कंपनी हम लोग इसको कह सकते हैं। एक साल में इसका रिटर्न का अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो माइनस में एक रिटर्न का फिगर देखने को मिल रहा है 38.2%। सिक्स मंथ में भी एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है रिटर्न में। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है 549 है। यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है एनुअल में 12,000 के ऊपर है, एंड क्वार्टरली में जो है 3,000 का ऊपर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका जो सेल ग्रोथ है 18% एंड प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन नेगेटिव है। तो कंपनी का सेल ग्रोथ तो है लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है कंपनी में। अर्निंग पर शेयर 20.7 है। फिर उसकी स्कोर जो है 10 में से 2 है, तो यहाँ पर लेकिन इसका जो स्कोर है अभी फाइनेंस के स्कोर जो है बहुत ही बैड साइन देखने को मिल रहा है। आगे चलकर और भी डीपली आपको समझ में आएगा किस तरह का बैड साइन ये देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ इसका जो है फॉल्ट है। अगर बात करें वॉल्यूम का तो वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम है कंपनी में। करेंट लाइबिलिटीज का बात करें तो 3,000 का ऊपर है, एंड करेंट एसेट 61,000 का ऊपर है। यहाँ पर लाइबिलिटीज से ज्यादा इसके पास एसिड है, जो एक गुड साइन है। देखिए कंपनी का जो फंडामेंटल है ये तो स्ट्रांग है, क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी है, इसका आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव है, और कंपनी सबसे बड़ा बात है डिविडेंड भी दे रहा है, लेकिन इसका रिटर्न का जो परफॉर्मेंस है ये उतना स्ट्रांग नहीं है। और भी अगर डीपली बात करें इस कंपनी का तो यहाँ पर जो इसका ड्यूरेबिलिटी है, सो हम इसे 45 है, एक मीडियम फाइनेंस बता रहा है। वैल्यूएशन भी एक मीडियम है, 36 है स्वामी से, और इसका मोमेंटम जो है 41% है स्वामी से। इसका अगर स्ट्रेंथ का बात करें 8 स्ट्रेंथ है, वीकनेस 6 है, अपॉर्चुनिटीज इसमें 1 देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो एक साल में 52 वीक्स हाई जो है ये बनाया था 592, और अभी जो है इसका प्राइस 366 में देखने को मिल रहा है, जो एक नेगेटिव साइन के साथ चल रहा है। कंपनी का रिटर्न देखिए नेगेटिव है, और यहाँ पर जो इसका बिट है, बिट लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है इसमें, एक ज्यादा ही रिस्क है। बात करें इसका परफॉर्मेंस का तो एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, जहां पर इसका रैंक अभी 34% है और नेगेटिव का तरफ साइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का देखिए प्राइस ड्रॉप जो है धीरे धीरे हुआ है, 700 से लेकर धीरे धीरे प्राइस ड्रॉप हो रहा है। और अगर हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर सेल एंड होल्ड का बात कर रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये स्टॉक है तो क्या करना है, और अगर आप एक बिगिनर है तो कौन सा जो प्राइस लेवल है जिसमें बाय कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए इसका जो फाइनेंस का रिजल्ट है, यहाँ पर जो इसका टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, ये लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट किया। 2021 में जहाँ पर 20,000 का रेवेन्यू था, 2022 में 23 का, तो यहाँ पर लेकिन इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। इसके अलावा अगर बात करें इसका एक्सपेंसिव का, तो एक्सपेंसिव का मामले में देखिए यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का एक्सपेंसिव तभी इंक्रीज होता है जब कंपनी के अंदर हलचल मचता है, काम का ऊपर जोर देता है कंपनी, पर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करता है काम के लिए। इसके अलावा अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2021 में जो फिगर यहाँ पर देखने को मिला था, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 2022 में, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट का भी यहाँ पर इंक्रीज साइन देखने को मिल रहा है, तो ये फिगर लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है। इसके अलावा इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इसका वैल्यूएशन जो है, इसका वॉल्यूम जो है
बहुत ही तगड़ा है और डिलीवरी भी अच्छा खासा उठाया जा रहा है। 61.7% के यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम का परसेंटेज देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ 55.3% एंड मंथली में 49 का जो है फिगर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर रिटर्न जो है नेगेटिव देखने को मिल रहा है बैक टू बैक। ओके, कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 72% का शेयर होल्डिंग है, पब्लिक के पास यहाँ पर जैसे 10.36% का शेयर होल्डिंग है, अगर बात करें अदर का 7.6% का शेयर होल्डिंग है, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है 6.3% एंड यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है 2.75% का यहाँ पर जो है होल्डिंग है। कंपनी का अगर डिविडेंड का बात किया जाए फ्रेंड तो कंपनी लेकिन बैक टू बैक डिविडेंड दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस का या फिर चार्ट का, तो यहाँ पर जो चार्ट ये है इसको आप समझिए अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं या फिर आपके पास ये स्टॉक है। तो देखिए कंपनी का जो सपोर्ट है ये जगह में देखने को मिल रहा है 420 में, यहाँ पर ज्यादातर कंपनी जो है टच कर रहा है और नीचे आ जा रहा है, ज्यादातर केस में यही रिजल्ट देखने को मिल रहा है कंपनी का, लेकिन इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसका सपोर्ट आ रहा है वो है 375। अब देखिए इस चीज को समझिए, अगर 375 को ब्रेक करके ये ऊपर जाता है तो एक अच्छा यहाँ पर जो है साइन दे सकता है कंपनी, बट अगर 375 का नीचे आता है यानी कि 350 तक आता है या फिर उसका नीचे, तो कंपनी में जो है और भी लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। सो आपको जो है अभी आधा दाम में मिल रहा है आपके पास, लेकिन अपॉर्चुनिटी है अगर आप बिगिनर है, बट अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है 500 में खरीदे 600 में खरीदे तो बस होल्ड करो, ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव ला के देगा, टाइम लगेगा बट पॉजिटिव आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन बिगिनर लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर 375 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाके ऑपोजिट साइड में आता है नीचे आता है तो आप जो है छोटे छोटे अमाउंट इसमें बाय कर सकते हैं, लेकिन 350 का नीचे गया तो इसमें बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। सो फ्रेंड ये था विप्रो कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया, चार्ट वगैरह प्रेजेंट किया, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और कौन से स्टॉक के बारे में आपको जानना है कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।